मत रिस देना तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा भैया सही सलामत पहुंच गया है। ठीक है भैया, मैं पहुंचूंगा तो इसे पत्र लिखूंगा। और माझी और बहन, माँ का ख्याल रखना, टाइम से खाना, टाइम से पानी देना और अपना भी ख्याल रखना। और मैं चल रहा हूँ, हिलाए मुझे छोड़ के मत जा। जय कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर? काजल सब तुम्हें नहीं पता, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। क्या? जी हाँ, प्रदेश। ये कौन है? बहन तुम्हें नहीं पता शायद, हम और दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं। और देखो काजल, ये मेरी बहन है और ये मेरी माँ है। और मेरे जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी सारी तुम्हारे ऊपर लगते रहो। ठीक है जी। और इन दोनों को ख्याल रखना। और मैं चल रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। जी हमें छोड़कर जा रहे हो कि हमें भूलना मत, कि कुछ तुम्हें मालूम है तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं है। कोई मुझे गिना है तेरी राह में पहुंचे साथ खैरी अतिशय हमारे साथ रहोगी जी, समाज वाले क्या सोचेंगे? बेटी अभी तुम्हारी पढ़ाई बाकी है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। नहीं माँ, मैं हम लोग को छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जैने आज लोग की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। लेकिन बेटी जिम्मेदारी तो पढ़ाई ले करके भी पूरी कर सकती हो। अगर तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो गई तो मेरी बात मानो, पढ़ाई भी करो और हम लोगों का ध्यान भी रखना। ठीक है माँ, ये बात सच है, अपनी सिर लगा करके पढ़ाई करो। और पढ़ाई में जब तुम पास हो जाना तो तुम चलिए आना मेरे घर, मैं फिर आपको जाने के लिए नहीं कहूँगा। ठीक है दीदी, ये सब लोग करती हो, मैं वैसा ही करूँगी, मैं पढ़ाई भी करूँगी और बीच बीच आप लोग से मिलती रहूँगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
नमस्ते माजी, नमस्ते। चलिए मैं आपको दवाई देती हूँ, आपकी तबीयत नहीं सही है। बोलो सरकार। मैंने सुना था कि तुम चंद्रनगर रियासत की तरफ गए थे। बोलो बस्ती की क्या खबर लेकर आए हो? बस्ती खबर का सरकार, वो राम जी का बेटा जोशी है ना, वो परदेश जा रहा है और परदेश जाएगा तो वहाँ से रकम कमा कर लाएगा और तुम्हारे मुंह पर मार देगा और वो अपनी जमीन को छुड़ा लेगा। हाँ सर, परदेश जा रहा कमाने के लिए। हाँ सरकार, और कमा कर लाएगा, मेरी रकम मुझे वापस कर देगा। और क्या, उसके बाद वो अपनी जमीन हासिल करेगा। अपन जमीन घर द्वार सब छुड़ा ले। नहीं, वो परदेश नहीं, वो परदेश नहीं जाएगा, बल्कि वो सीधा जाएगा सेंटर जेल। सेंटर जेल? सेंटर जेल? हाँ। ये कैसे सरकार? वो तरकीब मैं तुझे बतलाऊंगा। मुनीम सरकार, पकड़ से और जाओ अलमारी से कारतूस निकाल ले और कुछ रकम निकाल ले। करना क्या है? करना तुम्हें ये है, जय सिंह जा रहा है ना, और वो कहां तक पहुंचा होगा? वो अभी स्टेशन तक नहीं पहुंचा होगा। स्टेशन तक नहीं पहुंचा होगा? नहीं, कहां पहुंचा? लेकिन उससे पहले तुझे स्टेशन तक पहुंचना होगा। हाँ, उससे पहले तुझे स्टेशन तक पहुंचना होगा। पहुंच कर तुझे करना होगा ये कि वो कारतूस और ये रिवॉल्वर और कुछ असल है और उसकी भीख भी तुझे रखना होगा। तो इधर पुलिस स्टेशन फोन घुमाऊंगा, माल थोड़ा आपका बच्चा सिंह को, बल्कि परदेश ही वो सीधा सेंटर जेल जाएगा। सरकार आप थाने को फोन लगाइए और मैं चलाऊं, यूं समझ लिए कि ये काम मैं चुटकियों में कर दूंगा। लेकिन मुझे सरकार यार वहीं पर रहेगा, मोबाइल लेकर आ भाई। तू परदेश नहीं बल्कि साले सीधा सेंटर जेल जाएगा। सेंटर जेल? अरे तू जो सपना देख रहा है वो सपना हम तेरा कभी नहीं पूरा होने देंगे। जो सपना मैं देख रहा हूं उस सपना को पूरा करूंगा मैं। और मुनीम तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। हाँ, मैं जा रहा हेलो 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 सर, पुलिस स्टेशन सर, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। सूचना यह है कि जैसे नाम का इंसान वो गैर कानूनी माल सप्लाई करने के लिए बाहर जा रहा है और वो अभी अभी तक स्टेशन नहीं पहुंचा होगा और आप वक्त पर पहुंचकर उसे आदेश कर लीजिए सर। ठीक है सर, मैं फोन रख रहा हूँ। नमस्कार। मुनीम तू अपना काम कर, रंजीत सिंह अपना काम कर चुका है और जय सिंह तेरा सारा का सारा सपना मिट्टी में मिल जाएगा। भाई, जिस भाई ने अगर मोबाइल पाया है, मोबाइल हरा गया है एयरटेल का, भाई मोबाइल दे दीजिएगा, महान दया होगी। आज बाहर जाऊंगा। ओ रामा रामा, ओ रामा।
तुम परदेश जा रहे हो, लेकिन मैं तेरी बर्बादी का कारण बनूंगा। आज ये गैर कानूनी असल है, तेरे पैर में मैं किसी तरीके से रखूंगा, तुझे परदेश कभी नहीं जाने दूंगा। आ जय सिंह, आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आखिर ये कौन है? आखिर बाबा क्या बात है? मुझे लगता है इसकी तबीयत बहुत खराब है, मगर मेरे पास तो 100 रुपए हैं। आखिर मैं इसकी दवाई लाऊंगा तो मैं ट्रेन का टिकट कैसे कटाऊंगा? कोई बात नहीं है, मैं इनकी दवाई लाऊंगा बाबा। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी दवाई लेके आऊंगा। तब तक के लिए ये मेरी बेग संभाल लो। ठीक है बाबा, दवाई पेन से खा लेना और यहां चले जा। जय जय, तू परदेश जा रहा है, लेकिन तू परदेश नहीं बल्कि जाएगा सीधा शंकर जेल, सीधा